हम लोग एक चीज और देखते हैं, फिर सवाल ये देखो किस, जैसे हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर और वन अपान एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू बताएं, जबकि आपको चीज़ दी गई हो एक्स प्लस वन अपान एक्स इसके बराबर में आपको मान लो पी दे दी, क्या दे दी पी, तो इसकी वैल्यू बता दो। इसका अगर हम वर्ग करें मिला तो हमें ये चीज ऐसी मिलेगी, इसके अलावा और क्या मिलेगा वहां पर वर्ग करेंगे, तो क्या नीतीश बता, इस चीज का जब हम वर्ग करेंगे तो एक तो ये चीज मिलेगी हमको पक्का, दूसरी एक चीज और मिलेगी, वो क्या मिलेगी थोड़ा दिमाग करना। जब आप बताओ इस चीज के जब आप वर्ग करोगे तो एक तो ये चीज मिलेगी मिलेगी और क्या मिलेगा साथ में, प्लस का माइनस का, प्लस का मिलेगा, प्लस का तो मिलेगा। तो जब हमने वर्ग किया दोनों बच्चों के तो आप पी स्क्वायर हो गए, आपको जो दो इधर मिला है प्लस का उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि इस कंडीशन में डायरेक्ट हम इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो वो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दिया उसमें से माइनस टू करते हैं, क्या कहते हैं कैसे, जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस चीज का स्क्वायर दूसरी चीज का स्क्वायर, तो प्लस का टू ए भी आएगा ए और ये बी, तो भैया ये तो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ क्या मिलेगा प्लस का टू मिलेगा और इधर बी स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसको तो यही रोक देंगे तो पी स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा, यानी इधर वाली संख्या का वर्ग करिए और उसमें दो दो क्या कर दो माइनस। अगर यहां पर हमको इसके इस ये दिया होता, ये दिया होता और इसकी वैल्यू पूछी जाए, अब क्या माइनस कर दिया हमने बस, प्लस टू हो जाएगा, अब माइनस के टू हमें मिलेगा जी सर, उधर जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहां पर फोर दे दिया, अब बताओ मुझे इस चीज की वैल्यू क्या है, सवाल को दिमाग में लगाना सीखो बस, कि हमारे पास वहां पर इतना समय नहीं हो गया, बस हमने देखा और बस ठीक किया, खत्म, सिक्स ही होगी सर, सिक्स नहीं होगी। अब हमने क्या बताया था कि जब यहाँ पर माइनस है तो उधर टू कैसा होगा प्लस होगा, लेकिन पी स्क्वायर प्लस टू इस चीज का स्क्वायर करके टू होगा ना, तो सोलह हो जाएगा फिर दो जाएगा अठारह, दोनों अब स्क्वायर करेंगे दोनों बच्चों करेंगे ना, दोनों बच्चों को स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का माइनस का टू और फिर सोलह बन जाएगा, अब जो दो जाएगा उधर तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर सोलह प्लस दो अठारह, तो स्क्वायर करते हैं ना साइड का स्क्वायर किया उधर, ये तो कहानी हमारी इस चीज की रही, लेकिन अगर यहाँ पर पावर फोर कर दी अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से स्क्वायर करेंगे, पहले हम प्लस की कंडीशन देंगे, यहाँ प्लस तो पहली बार जब हम प्लस इसका स्क्वायर करेंगे सोलह हो जाएगा प्लस है माइनस दो हो जाएगा ना छब्बीस, अगर सिर्फ
सिर्फ हमसे इतना पूछा होता एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो माना आंसर कितना आ गया होता चौदह। लेकिन अब हमको फिर से स्क्वायर करना है तो अब की बार किसका स्क्वायर होगा चौदह का होगा। अब चौदह का स्क्वायर होगा इस चीज का स्क्वायर करोगे फिर इस साल में क्या मिल जाएगा प्लस लगा है इधर क्या मिलेगा इधर प्लस मिलेगा फिर से टू। चौदह का स्क्वायर जो होता है वो कितना 196 उसमें दो माइनस कर देंगे तो 196। देख यदि हमारे पास है इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आ गया भाई 16। इसको हमने उधर माइनस किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो 14 आ गया। लेकिन हमें अभी हमारा इससे काम नहीं करना है हमको पावर 4 चाहिए तो हमें 4 चाहिए तो मैं अगेन फिर स्क्वायर करना पड़ेगा स्क्वायरिंग अगेन। अब पावर 4 होगी 4 यहाँ से फिर हमें 2 मिलेगा मिलेगा जी 14 का 196 हो गया था अब ये दो उधर जाएगा तो 194 आ जाएगा इसकी पहले पर। लेकिन अगर हम यहाँ पर माइनस कर दें तो हमारा क्या रिजल्ट जाएगा हाँ फिर यहाँ पे माइनस आएगा तो कितना हो जाएगा तो जी 18 हो जाएगा फिर से हमें स्क्वायर करना पड़ेगा तो 18 स्क्वायर हो जाएगा 312 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 का एग्जाम बहुत करीब है ठीक है अब तुम्हें आग लगानी है एकदम से बहुत तैयारी करो। मैंने बताया था कि भाई तुम्हें क्या करना है कम से कम 25 तक स्क्वायर याद करो ना तो 324 होता है 324 आंसर क्या रहेगा हमारा 24 हाँ हाँ प्लस होगा भाई देख लो इसका स्क्वायर करना होगा। अब हमें इसका स्क्वायर करना है इस चीज का तो यहाँ से प्लस 2 मिलेगा या माइनस 2 मिलेगा यहाँ से माइनस प्लस 2 मिलेगा तो माइनस हो जाएगा बाद में इसका स्क्वायर करेंगे भैया तो प्लस का तो मिलेगा 2 हाँ इसकी पावर 4 प्लस इसकी पावर भी 4 प्लस का 2 आएगा यहाँ पर नहीं आएगा 324 आ जाएगा और 2 माइनस करेंगे तो 322 स्क्वायर की कहानी थी। और एक कंडीशन और है कि इसी में अगर इसकी वैल्यू पूछा करें और हमको इसकी वैल्यू दे दी है मान लो पी इसकी वैल्यू पूछ ली अब हम लोग क्या करें अभी इसको देख लो फोर मंथ में इतनी बताओ कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं मुझे इतना बताओ जी एक ऑप्शन में लगाए प्लस बी एक माइनस बी एक लगाए एक माइनस एक माइनस टू प्लस बी ऐसा कुछ नहीं होगा तो क्यों बाला भी होता है ऐसा नहीं क्यों बाला भी है सर या फिर से बोलो धीरे से तो समझ पा आज क्या बोल रहे हो सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू पहले इसका फार्मूला बोलो हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी श्याम तो देखो ये फार्मूला होगा ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी और ये कोई नया फार्मूला है क्या अरे कुछ भी तो नया नहीं है इस पर भेजो जल्दी से तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो पढ़ा नहीं हमने सदियों से पढ़ते चले यार कक्षा 6 में थे तब से पढ़ रहे थे ठीक है लेकिन हमने बस थोड़ा सा रूप चेंज कर दिया इसकी वजह से भाई इसको यहाँ रोका इसको यहाँ रोक करके उसको उधर भेज दो अगर इस चीज़ को हम यहाँ रोक लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इधर क्या था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का टू ए बी यही चीज़ हमने पूछी थी कि हमें अगर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला देखना हो तो हमें जो ए प्लस बी दी उसका होल स्क्वायर कर दो माइनस टू ए है ठीक है। एक बच्चे से मैंने पूछा ऐसे ही कि बेटा हमें ये बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा तो बच्चे ने कहा कि सर आप बिल्कुल गलत पूछ रहे हैं ये
या तो आप यहाँ माइनस कर दो और या यहाँ पर पावर तीन लगा दो, तब तो हम बाद में बता देंगे। ये फार्मूला आते भले ही हमने कहा दिमाग चलाओ कि नहीं सर, हमने आज पहुंच फार्मूले पढ़े लेकिन ये फार्मूला कहीं नहीं चलेगा, फिर उसने किताबें भी पढ़ के देखी काट नहीं था ये फार्मूला आई। मैंने कहा अच्छा मैं बता रहा हूँ, फिर मैंने उसे घुमा के बताया, हम जैसे बता पढ़ा था, अरे सर आपने तो वही घुमा दिया। ये तो इसको इतना फार्मूले तो कहेंगे उसका थोड़ा रूट चेंज कर दिया और क्या। तो ये चीज है, अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए हमारे पास कैसा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर हो जाए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा टू, सिर्फ टू आएगा क्योंकि भैया ए और बी अगर हम लेंगे तो वह अपन क्या होंगे क्योंकि ये उल्टी है कट जाएंगे, उल्टी है इस वजह से है ना, एक दूसरे की उल्टी है तो कट जाएंगे, तो सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा माइनस टू आएगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी भैया, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो हम क्या करें कि ये जो चीज़ हमारी दी थी जे, इसमें जे चीज़ इधर आ करके इसकी वैल्यू कुछ भी है मान लो पी है, तो ये पी आ जाएगा और वो दो इधर प्लस हो जाएगा, फिर इसे जोड़ने के बाद हमें ये पावर हटानी पड़ेगी इधर बढ़ने के बाद, मान लो जोड़ने पर अगर 16 हो गया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हमारा कितना हो जाएगा फिर जी चार बन जाएगा, चार चार वर्गमूल लेना क्या लो वर्गमूल लेना, इटली में आंसर क्या आता है प्लस माइनस चार होता है, लेकिन हम अपना कभी कभी लिख लेते हैं, लेकिन अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये हमारी कंपटीशन है पॉलिटेक्निक में, हम लोग वहाँ पर भैया एक स्क्वायर बराबर अगर चार दिया है तो सीधा हम कभी कभी बस दो ही लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन मान क्या होता है प्लस माइनस दो, यानी कि प्लस का भी दो होगा और माइनस का भी है ना, ये ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू दो हो जाएंगी, प्लस की भी दो और माइनस की दो, चाहे यहाँ पर देखना अगर दो रखोगे तब भी आपको चार मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस दो रखोगे तब भी चार मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर एक चीज़ पर माइनस हमने दो रख दिया चार मिलेगा नहीं मिलेगा, माइनस दो रखेंगे भैया स्क्वायर करोगे नहीं प्लस ही चार मिलेगा, और यहाँ पर दो रख दोगे एक चीज़ पर तब भी चार मिलेगा, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ दो वैल्यू संभव है प्लस दो और माइनस दो, इसलिए वो दोनों वैल्यू आपको मिल है, लेकिन कभी कभी हमें जरूरत नहीं होती तो हम प्लस ही ले जाएंगे, आप ध्यान रखना पड़ेगा इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये चीज़ हमको दी है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या कर लेंगे भैया, हम लोग कर लेंगे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस था, हाँ जब यहाँ पर प्लस हमने लिया था क्या तो हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पर माइनस टू ए बी या सिर्फ यहाँ पर टू रहेगा क्योंकि ए बी एक से जब प्लस यहाँ पे प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस, और यहाँ पर अगर हमने माइनस ले लिया तो तब यहाँ पर प्लस बात समझ रहे ऐसे किया हम कैसे किया कि मानो एक्स माइनस ये है हमारे पास या वही फार्मूला कौन सा वाला माइनस वाला लगा लो क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का नहीं गलत बिल्कुल माइनस का प्लस, अब अगर इस चीज़ की वैल्यू निकालनी हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का टू ए बी है ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला हमारा दो होते हैं, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस टू ए बी होगा, अगर हमने यहाँ पर प्लस लिया है तो यहाँ पर इस चीज़ को एक तरीके से और समझा कि जैसे ही आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको ये पता है कि माइनस का टू मिलेगा, ये चीज़ तो मिलेगी मिलेगी इसके साथ में माइनस का टू मिलेगा, इसका जैसे ही होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये चीज़ तो हमें मिली मिली माइनस का टू ए भी होता है ए भी खत्म हो जाएंगे ना मिला, अब जो इस चीज़ को हमने ऐसा लिखा था फालतू आ गया
फालतू चीज को हटा देने के लिए हमने क्या लिख दिया, ये दोनों खत्म हो जाएगा, फिर से हमारे ये दोनों लोग एक जैसे हो जाएंगे। तो आप यहाँ से भी दिमाग चला सकते हैं कि भैया इस चीज को हमने ऐसा लिखा है तो क्या ये वास्तव में है कि नहीं। हाँ है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ऐसी चीज मिलेगी मिलेगी, और इसके भीतर ही हमको माइनस टू और मिलता है, वो माइनस टू फालतू में मिल रहा है, उसे हमें माइनस गार करना है तो यहाँ पर प्लस टू करना, यानी बेटा इस चीज को हल करेंगे फिर से हमें ना। अगर हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमें ऐसा तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन इसके साथ में और क्या मिल जाएगा, इसके साथ में जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ऐसा मिलेगा, और इसके साथ में क्या मिलेगा, प्लस का टू मिलेगा। वो प्लस का टू हमारे लिए फालतू है क्योंकि हमें इतनी चीज बचानी है, तो यहाँ पर माइनस टू करना, प्लस वाला माइनस वाला खत्म नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो भैया ये चीज़ हमने समझी और हम अपनी एक्सरसाइज में और अच्छे समझ गए, ठीक है। लेकिन ये क्यूब वाली बात है, हम देखें कौन सी क्यूब वाली बात ये है कि जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू हमको दी गई है या इसकी वैल्यू निकालनी है, दी हो या निकालनी हो दो काम हो सकते हैं, और हमें इसकी अगर निकालनी है तो हमें इसकी वैल्यू दे दी, मान लो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करें क्या, इसका होल क्यूब कर दे। जैसे होल क्यूब करेंगे तो आप बताओगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का थ्री, थ्री ए भी होता है, क्या होता है ए भी, लेकिन वो ए भी है, वो ए भी है बेटा, ए ये और बी ये खत्म हो जाएगा, तो थ्री क्या रहेगा, थ्री थ्री ए भी होता है ब्रैकेट में, ए प्लस बी फिर से आता है, बराबर क्या है, इधर भी फिर हमने क्यूब किया तो क्यूब हो जाएगा, क्या मेरी बात समझे, हमने इसका दोनों पत्रों का क्यूब दिया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का थ्री ए और बी और ए प्लस बी, ये तो होता है इधर क्यूब हो गया। अब जैसे भी मेरा खत्म हो जाएगी दिवाली आप, ठीक है, तो इतना रह जाएगा, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, इस चीज़ की वैल्यू चाहिए। अच्छा इधर पी क्यू है तो देखो मेरा ये चीज़ हमारी एक्स क्यू प्लस वन अपान एक्स क्यू है, ये थ्री है, और हमें इसकी तो वैल्यू दी गई है, इस चीज़ की इसकी वैल्यू देखो जी क्या दी है, जी दी है नहीं, इसकी वैल्यू क्या दी, पी दी, तो यहाँ पर थ्री पी कर लें, क्या पी क्यू, तो एक्स क्यू प्लस वन अपान एक्स क्यू क्या आ जाएगा, पी क्यू माइनस थ्री पी। थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे फिर डायरेक्ट सवाल आंसर निकालने लगेंगे, डायरेक्ट कैसे कि भैया इसका क्यूब कर दो और इसी का फिर क्या करो, तीन गुना करके माइनस करो, नहीं भी करते तो दो चार सवाल लगाएंगे तो अपने आप करने लगेंगे, ठीक है, दिमागी होने लगेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, अब यहाँ पर ही माइनस होगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा फिर। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, हाँ वो फार्मूले जिनकी हम बात करना चाह रहे हैं वो आपको अगर आ ही रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो सब याद कल याद करके आओगे आप लोग, ठीक है, जे सी डी हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं नहीं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है, सारे फार्मूले याद कर कल करके आओ, ठीक है, आज हम अपनी एक्सरसाइज की चालू कर रहे हैं, जो कुछ सवाल देख रहे हैं और कल सारे फार्मूले आपसे पूछ लेंगे हम, और जो समस्या हम वो देख लेंगे। तो जल्दी से हमें बताएं हमें कौन सा क्वेश्चन लगाना है पहले, ग्यारहवा सवाल बोले आप क्या हूँ या फिर मुझे, तो ग्यारहवें से पहले कोई पूछेगा, ग्यारहवें से पहले यानी आप यू
क्या आदमी से पहले ग्यारह पहले कोई है ग्यारहवें क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि ए तथा बी दो व्यंजक हैं जिनके एलसीएम और एसीएफ ए और बी हैं यदि इनका सम इतना है तो अच्छा हमारे पास दो व्यंजक कौन कौन से ए और बी इनके एसीएम पहले एलसीएम है ऐसे पहले एलसीएम कैपिटल ए कैपिटल ए है और एलसीएम क्या कैपिटल बी तो हमसे कह रहे हैं और क्या दिया है और हमें और दिया है और क्या दिया इफ ए प्लस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी तो अब इनमें कुछ हमारे इन्होंने हमको ऑप्शन दिया है कि वो कौन सा ऑप्शन हमारे तो यहाँ पे हम ये देख ले रहे हैं कि भैया कहीं स्क्वायर आ रहे हैं ऑप्शन में हमारे हाँ ऑप्शन में स्क्वायर आ रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं फिर कि यहाँ इसका होल स्क्वायर क्या करेंगे होल स्क्वायर उस होल स्क्वायर से हमको क्या मिलेगा वो हम देखेंगे अभी समझा दो क्या मिलता है इस चीज का हमने वर्क किया ये हमको दिया गया था ऐसा इतने बराबर इतना इसी का हमने फर्क किया तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हाँ वेरी गुड प्लस टू ए बी और यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस का टू ए बी अब ऐसा है हमारे पास अब हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं नहीं बिल्कुल नहीं अभी कर सकते हाँ कह सकते हैं वो जब कह सकते हैं हम लोग ये चीज़ और यहाँ पे जानते हैं कि पहली संख्या हाँ गुणा दूसरी संख्या हाँ लासा गुणी मासा एलसीएम गुणा एलसीएम ये होता है आपके पास ठीक है यहाँ पे हमारी संख्या पहली क्या है ए दूसरी संख्या क्या है बी लासा आपका क्या है ए मासा क्या है आपका बी तो अब ये रिजल्ट हम बना के यूज कर लेंगे इसमें ए बी की जगह पर स्मॉल ए बी की जगह कैपिटल ए बी आ जाएगा तो मुझे बताओ क्या ये दोनों लोग बराबर हो जाएंगे छोटी ए बी है स्मॉल ए बी इसकी जगह हम ये वाली बड़ी ए बी डाल सकते हैं तो ये दोनों हमारे जो पद हैं वो एकजिस हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये चीजें हमारी कैंसिल हो गई तो अब ऐसा हमारे पास ऑप्शन है हाँ बी हमारे पास ऐसा ऑप्शन है तो ये हमारा रिजल्ट हो गया ये चीज हमारी कैंसिल हो गई उसको हमने बता दिया भैया क्यों कैंसिल हो गई क्योंकि ये हमारी छोटी है भी और ये आपको बराबर हो गई बात समझ में आ गई आई आ गई तो भैया आप आगे नहीं चलते हैं सर अगर ऐसे क्वेश्चनों में जैसे कोई मासा का क्वेश्चन आता है तो मतलब जैसे दो पद दिए जा रहे हैं उनका मासा पूछा जा रहा सर मतलब तो सर छुट्टी हुई हो जो हम ना देख पा रहे ज्यादा ज्यादा चीज कितनी काम मिले पूरी हाईएस्ट बड़ी से बड़ी संख्या जो ऐसा जो उसमें कॉमन होगी तो दोनों काटेगी सर दोनों काट देगी सर काट देगी तो परीक्षा में सर डायरेक्ट देख लेना चाहिए ऑप्शन से हाँ ऑप्शन हम देख लेंगे ऑप्शन जो हमारे दिए हैं उनसे हम देखें कि हमारी जो जिनका हम लासा है मासा की बात कर रहे हैं मासा की बात कर रहे हैं तो पूरी पूरी करनी चाहिए संतुष्ट करना चाहिए कई बार ऐसे आ गया हमारे पास
कि दो चीजें हमारी हैं यहाँ पर क्वेश्चन है x to power 4 plus 3x square x to power 4 plus 3x square minus 4 x square x to power 4 minus 4x square plus 3 सर इसमें ऑप्शन दिए गए इसका सर 9 सा एचसीएम निकालना है अच्छा एचसीएम निकालना है तो हाँ ऑप्शन ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन दिए ले रहे हैं हम x minus 1 x माइनस वन x प्लस वन इसी में एक ही है नहीं सर अलग दूसरा ऑप्शन है x प्लस वन सही ऑप्शन है सर x स्क्वायर माइनस वन x स्क्वायर माइनस वन और डी है सर x स्क्वायर माइनस थ्री x स्क्वायर माइनस थ्री तो सर इसका आंसर होगा x स्क्वायर माइनस वन अगर x बराबर वन रखे देख लिया सर x बराबर माइनस वन बिल्कुल अब अगर हमने फैक्टर किया तो हमें भाई समय लग सकता है यहाँ पर है ना नहीं भी लगेगा अगर आप फैक्टर नहीं करना चाहते तो आपसे लगा देंगे यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे चलेगा या तो x इससे पूरी चीज को इसे भाग दो पूरी कट जा ये भी फिर इससे इसे तो ये भी कट जाए हाँ भाग देने में समय लगेगा उसके लिए हम क्या करें जो हमारी हमने एक शेषफल प्रमेय पढ़ी थी और गुणनखंड प्रमेय पढ़ी थी उसमें ये काम गया था कि आप यहाँ से क्या करो x की वैल्यू निकाल रख दो तो शेषफल आ जाता है शेषफल जीरो अगर आ गया तो हम कहेंगे इसका जी जी चीज है इसका गुणनखंड है हाँ अगर वो भी नहीं आ रहा कुछ नहीं यहाँ से एक सी वैल्यू निकालो यहाँ रख दो ये जीरो बन जा और फिर इसमें भी रखना भी जीरो बन जा दोनों जीरो दोनों जब दोनों जीरो बन जाएंगे तो हमारा ये आंसर जब जीरो बन जाती तो हम ये कहते हैं कि ये चीज है इसको संतुष्ट कर रही है ये जीरो बन गई तो हम कहें इसको भी संतुष्ट कर रही इसे कहते हैं संतुष्ट अगर इसने इसको संतुष्ट कर दिया मतलब इसे जीरो कर दिया फिर इसको भी करना चाहिए है ना बेटा दोनों का कामन होना चाहिए दोनों का मासा का मतलब ही होता है कामन ऐसी संख्या है दोनों काट दो इसे काट है इसे भी काटो तो बेटा अगर शेषफल जीरो आ जाएगा जैसे हम यहाँ पर रखेंगे तो वो शेषफल मिलता है तो जीरो आ गया तो इसका मतलब कट गई ये पूरी यहाँ पर रखा जीरो मिला क्या शेषफल जीरो मिला शेषफल जीरो मिला इसका मतलब कि पूरी पूरी ये कट जाएगी इससे तो ये भी कट गई थी वो भी कट गई इसका मतलब क्या है ये दोनों के लिए कामन है दोनों को काट रहा है यानी ये हमारा सेफ है अगर भैया इससे हमें दोनों जीरो ना मिले सिर्फ एक ही जीरो मिला तो काम नहीं कर दोनों जीरो बनाने थे है ना दोनों के लिए कामन तो हमें दूसरा रखना पड़ेगा तीसरा रखना पड़ेगा चौथा रखना पड़ेगा जिससे हमारी संभावना हो या जो छोटा हो उससे पहले इससे सर टाइम बच सकता है मतलब सर गुणनखंड कठिन आ जाते हैं हाँ हाँ यहाँ से अगर हमने वन डाला तो यहाँ पे वन और वन वो थ्री फोर फोर जीरो वाले काम चले गया यहाँ पे डाला हमने तो वन वन और फोर फोर थ्री फोर वो भी कट जाएगा लेकिन अगर इसके साथ में x प्लस वन और दिया है तो फिर हमें एक बार x बराबर माइनस मन भी रख के देखना पड़ेगा ऐसा तो नहीं कि भाई ये भी काट रहा हो और ये भी काट रहा है दोनों लेकिन एक चीज़ है कि जैसे ये हमारे चार हाँ चार घात का है तो चार गुणनखंड हो सकते हैं तो दो दो हो सकते हैं गुण अगर सिर्फ दो ही घात का है दो घात का है तो यहाँ पर इसके दो गुणनखंड हो सकते हैं और दो गुणनखंड एक ही जैसे अगर हो गए तो ये दोनों लोग समान नहीं हो जाएंगे अगर दो ही घात का है मेरे कहने पर बहुत ध्यान देना है अगर ये दो ही घात के हैं तो इनमें क्या आएंगे इसके जो गुणनखंड आएंगे वो दो ही गुणनखंड आएंगे कितने हो दो और अगर यहाँ पे आपको दोनों दे दिए गए जब दोनों दे दिए हैं तो दोनों वाला नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता अगर दोनों वाला हुआ तो ये दो लोग कैसे हो जाएंगे सेम हो जाएंगे क्योंकि दो ही गुणनखंड होंगे और पूरी पूरी चीज़ यहाँ पर आ गई पूरी पूरी आ गई मतलब कि फिर तो यार ये लोग समान होने चाहिए दोनों आ गई ना इसके भी दो ही होंगे उसके भी दो ही होंगे और वो दोनों यहाँ पर आ गए इसका मतलब क्या है कि यार पूरी पूरी चीज़ आ रही है पूरी पूरी आ रही है क्योंकि इसके गुणनखंड दो ही होंगे इसके भी दो ही होंगे और दो दो यहाँ पर आ रहे हैं तो दो जब आ सकते हैं जब यहाँ पर जो चीज़ है वही चीज यहाँ पर तब दो आ सकते हैं दो हाथ में दो हो ही नहीं सकते एक ही यहाँ पर है दो जब ही हो सकते हैं यहाँ पर जैसे हम x प्लस वन की बात करें यहाँ पर आ गया एक प्लस वन जब ही यहाँ पर जे भी आ जाए जे भी साथ में आ जाए एक ही ऐसे गुणा में आ जाए जैसे यहाँ पर पहला आपको ये है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन है ना
और घात दो ही घात का बहुपद है, तो ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। जब हो सकता है कि जब ये चीज और ये चीज बिल्कुल एक जैसी हो, कैसी हो, एक जैसी, तब ये वाला ऑप्शन हो सकता नहीं, ये ऑप्शन क्योंकि इसके दो ही गुणनखंड इसके होंगे, दो ही गुणनखंड इसके होंगे और दोनों का मिल जाए, जिसका मतलब क्या, दोनों लोग कैसे हो, बराबर। अगर इससे आप बहुपद बनाओगे इस चीज से, तो बहुपद हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस चीज से बनाओगे। ये एक एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है ना, एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, तो इसका बहुपद ये बनेगा। अब इससे दूसरा बहुपद बनाओगे तो भैया वो भी तो यही बनेगा, क्या कोई दूसरा बन जाएगा, या तो उसको ऐसे करके लिख दो भाई, ऐसे करके लिख दो, तो थोड़ा देखने में तो अलग लग रहा, लेकिन है दोनों क्या, ये वाला ऑप्शन जब अगर होगा तो ये लोग अपने आप कैसे बन जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सेम वाली चीज बच्चे पहचान लेंगे, ये तो एक ही चीज है, एक ही चीज होना बड़ा मुश्किल। अच्छा, लेकिन फोर अगर पावर लगी थी तो फोर वाले में फोर ही गुणनखंड होंगे, ध्यान रखना, जितनी घात का बहुपद होता है उतने गुणनखंड होते हैं। चार घात के चार गुणनखंड होंगे, तीन घात के तीन गुणनखंड, तीन टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, दो का दो दो। तो अगला आपका क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, ऐसी कोई बात आती है तो उसको हम और अच्छे से करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तेरह नंबर अब तक हम इसको